इस समय हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। वजह है आरक्षण, जिसके चलते पूरे देश में हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन तब हिंसक हो चला जब उनका सामना सुरक्षा बलों से हुआ। इस हिंसा में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घायल हैं। इस बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देशव्यापी कर्फ्यू लागू कर दिया है, साथ ही कर्फ्यू तोड़ने वालों को गोली मारने के आदेश भी दे दिए हैं। बांग्लादेश में छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आज हम इसे बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं यूपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। दरअसल ये सारा बवाल शुरू हुआ है आरक्षण की वजह से। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरी की चाह बढ़ रही है, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब्स की तुलना में स्थायी और ज़्यादा सम्मानजनक होती है। जैसे जैसे बेरोजगारी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी आखिरी ऑप्शन बनकर उभरी है। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए भी ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है, क्योंकि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित हैं अलग अलग वर्ग के अलग अलग लोगों के लिए। इसमें से सबसे ज़्यादा 30% सीटें 1971 के युद्ध में शामिल लोगों के घर वालों के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके बाद महिलाओं के लिए 10% और पिछड़े इलाकों से आने वाले लोगों के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं मूल निवासी, जिनके लिए 5% सीटें रिजर्व की गई हैं। वहीं 1% सीटें विकलांग लोगों के लिए आरक्षित की गई है। इस तरह टोटल आंकड़ा हुआ 56%, यानी सरकारी नौकरी की 100 में से 56 सीटें तो पहले से रिजर्व्ड हैं ही, और बाकी बची 44 सीटें जिस पर सभी जनरल कैंडिडेट्स इसी में कम्पीट करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में सीटों को आरक्षित करने के विरोध में ही छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शेख हसीना के एक बयान ने इस प्रदर्शन को और ज़्यादा भड़का दिया है, जिस वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने पड़ गए हैं, ट्रेन मेट्रो सेवाएँ ठप हो चुकी हैं, इंटरनेट सेवाएँ बंद होने की भी खबरें हैं। दरअसल प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों की तुलना उन लोगों से कर दी जिन्होंने 1971 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था। छात्रों के इस प्रदर्शन में 15,000 भारतीयों के बांग्लादेश में फंसने की खबर भी सामने आ रही है, जिसमें ज़्यादातर छात्र हैं। इस मामले में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि फिलहाल बांग्लादेश में रह रहे 8,500 भारतीय छात्रों समेत 15,000 भारतीय सुरक्षित हैं। वहीं बांग्लादेश में पुलिस ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि 19 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने मध्य बांग्लादेश के नरसिंगड़ी जिले के एक जेल में कई सारे कैदियों को मुक्त कर दिया और फिर उसके बाद जेल में आग लगा दी। फिलहाल बांग्लादेश में हालात नाजुक बने हुए हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण से जुड़े इस मामले पर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को सुनवाई करने वाली है। खैर, खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी लाइव, मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP लाइव प्रीमियम।